देखिए बीजेपी आज की डेट में एक मेहमत है, एक पॉलिटिकली देखा जाए तो मदमस्त हाथी है। बीजेपी बहुत स्ट्रेटजिक वे में पॉलिटिकल इल्यूजन या मायोपिया क्रिएट करती है माहौल में, ये जानने के लिए या अपने राइवल को गफलत में रखने के लिए, और दूसरी पार्टियां खुश हो जाती हैं। इट इज नॉट ए ड्रामा, इट इज ए मायोपिया, इट इज ए इल्यूजन, क्रिएटिव इल्यूजन, स्ट्रेटजिक इल्यूजन। स्टूडियो में बैठा व्यक्ति यह नहीं डिसाइड कर सकता है कि 2019 में कौन होगा, 2019 में जनता जनार्दन ही डिसाइड करती है कि कौन होगा। और जनता जनार्दन का नेता लोग चार साल पहले ही डिसाइड कर देंगे। सारे नेता बोल रहे हैं 2019 में हम ही आएंगे, सारी पार्टियां बोल रही हैं 2019 में हम ही सरकार बनाएंगे। स्टूडियो के स्पेशलिस्ट नहीं बोल सकते, केवल नेता लोग बोल सकते हैं। सर ये सच इतने दिनों तक आपको पता नहीं चला? सत्य का ज्ञान विशेष मुहूर्त में हुआ है क्या, इलेक्शन के पहले वाला? इनकी जो राजनीति रणनीति है कि लूट और फूट खसूट और फूट जो चल रहा है, एक मिनट समझने की जरूरत है। आप लोग गफलत में मत पड़िए। आप मिश्रा जी, आप बताइए, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, आप तो फिर आप सुनते हैं। एक टर्म होता है गौरी शंकर जी, पॉलिटिकल लिब्रेंथ या पॉलिटिकल एम्बुश। बीजेपी जो होती है ना, जाल बिछाने में बड़ी माहिर होती है। मिश्रा जी सही कह रहे थे। हाँ। कि आप अपनी बात रखिए। हाँ, नहीं, मुझे एक बात समझना है दरअसल। मैं समझ नहीं पा है, है मैं तब... समझ नहीं पा रहा हूँ क्या ऐसा लगने लगा है। मैं इस सवाल को थोड़ा एक ही चीज समझना चाह रहा हूँ। एक ही साहब, क्या आपको लगने लगा है? देखिए क्वेश्चन ये देखिए, राजभर साहब या इनकी पार्टी आई है तो बीजेपी के सहारे आई है। जरूरत राजभर जी को बीजेपी की है, बीजेपी को राजभर साहब की जरूरत नहीं है, भाजपा की जरूरत नहीं है। देखिए वही चीज जो मैं बोल रहा था कि बड़े आराम से बीजेपी मैनेज कर लेगी अगर राजभर साहब अलग होते हैं। उनके पास स्ट्रेटजी का ऑप्शन पड़ा हुआ है। एक साहब जी, एक सेकंड, एक ही जो पूरा बोलने दीजिए। मिश्रा जी का जो कहना है, बहुत अच्छा ही राजनीतिक विश्लेषक है। हाँ, एक चीज और होती है, पार्टी विद इन पार्टी यानी कंपटीशन विद इन कंपटीशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। हाँ। राजभर साहब भी अपनी पार्टी का इंडिविजुअल, उनका अस्तित्व है और ग्रो करना चाहते हैं, और उसके लिए भी ये ऐसा काम नहीं, कर सकते हैं। देखिए एक जो सबसे बड़ा मुद्दे की बात में जो सबसे बड़ा सवाल है, दूसरा सवाल है सियासी सनसनी से भारतीय समाज पार्टी को कितना फायदा होगा। इसके अलावा क्या राजभर के सियासी पैंतरे का बीजेपी पर किसी तरह का कोई असर पड़ने वाला है? कुछ ऐसे सवाल हैं जो बर्निंग एक तरह से राजभर के लिए है। पूर्वांचल में बीजेपी का खेल बिगाड़ने का तो प्लान नहीं है राजभर का? सियासी ब्लैकमेलिंग के भंवर में कहीं राजभर डूब ना जाए, एक और जो बहुत ही अहम सवाल ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ उठाया जा सकता है। बीजेपी को ललकारना राजभर की सियासी हैसियत है क्या, या फिर सियासी तौर पर वो सही कहा जा सकता है? चुनाव से पहले राजभर की बगावत का क्या मतलब हो सकता है? और कहीं ऐसा तो नहीं, एक और जो बड़ा सवाल उठाया जा सकता है कि सियासी सेहत कहीं ओम प्रकाश राजभर की बिगड़ तो नहीं गई है? पिछले दिनों उन्होंने बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है। लेकिन बीजेपी की हार क्यों होगी, इसका सही तर्क वो बता नहीं पाते। दूसरे जो मेहमान हमारे साथ हैं, के मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। अब तो एनडीए आपका घर है, चलिए हम इस पर और भी सवाल करेंगे, शायद बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे पीयूष जी। इस वक्त एके मिश्रा जी हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। एके जी, मैं पहले आपसे ही सवाल पूछना चाहता था, लेकिन पीयूष जी के पास इसलिए गया कि एक स्टैंड थोड़ा समझ में आए कि बगावत है क्या, सियासी बगावत समझा जाए, या राजभर समुदाय जिसका कि पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में एक प्रतिनिधित्व है, उन लोगों को आगे कर एक सियासी वार करने की फिराक में है ओम प्रकाश राजभर, या छोटी छोटी जो मांगे थी, आरक्षण को लेकर जो बकायदा उन्होंने कहा था, या फिर कार्यालय को लेकर उन्होंने बकायदा कहा, इन मांगों की वजह से वो बगावत पर उतर आए, या बीजेपी से वाकई में उन्हें दिक्कत थी और वो जबरदस्ती एक तरह से कुछ सियासी फायदे के लिए वो जुड़ गए थे, एनडीए के साथ आ गए थे, अब उन्हें बहुत ही अकबकाहट हो रही है, घबराहट हो रही है? गौरी शंकर जी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्यून है और स्ट्रेटजिक वे में हम इसकी एनालिसिस करेंगे और सारे परतों को खोलेंगे। देखिए प्राइमा फेसी देखा जाए तो जो सारे नेताओं ने अभी आपने स्टेटमेंट दिखाए थे कि हाँ जी ये बगावत है, अब बीजेपी गई हार जाएगी, हाँ
प्राइमा फेसी देखा जाए, प्राइमरी लेयर पे देखा जाए तो ये है, लेकिन यहाँ मामला ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके पीछे लॉजिक है। देखिए क्वेश्चन ये देखिए, राजभर साहब या इनकी पार्टी आई है तो बीजेपी के सहारे आई है, जरूरत राजभर जी को बीजेपी की है, बीजेपी को राजभर साहब की जरूरत नहीं है, भाजपा की जरूरत नहीं है। अगर ये डेंट देना भी चाहेंगे तो बीजेपी बड़े आराम से उस डेंट को मैनेज कर लेगी। दूसरी, सर एक मिनट प्लीज, सर एक मिनट प्लीज, मिश्रा जी प्लीज सुन लीजिए मुझे, आप बिरादर हैं तो कम से कम आप सपोर्ट तो करो बिरादर को, थोड़ा नेतागिरी यहाँ भी जात पात क्या चला दिया करे ना, चुनाव में तो आप लोग बांटते ही रहते हो जात पात के। नहीं एक ही चीज, थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप अपनी बात नहीं, नहीं सुनिए अब यहाँ देखिए है क्या, मैं आपको बताऊँ, एक टर्म होता है पोलिटिकल लिबरम। सर एक मिनट सुन लीजिए सर प्लीज, अरे सर सुन लीजिए, एक टर्म होता है गौरी शंकर जी पॉलिटिकल लिबरम थे या पॉलिटिकल एम्बुश। बीजेपी जो होती है ना जाल बिछाने में बड़ी माहिर होती है, बीजेपी ने हो सकता है ये चीज ऐसे बोला हो कि आप ऐसे ऐसे करके बोलो ताकि हमारे जो राइवल पार्टी हैं उनकी क्रिया प्रतिक्रिया पता चले, उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई बीजेपी में फूट है तो उनकी रणनीति क्या हमें पता चले। आप एग्जांपल लो, शिवसेना इतना क्रिटिसाइज करती है तो क्या शिवसेना इनको सपोर्ट नहीं करती है? आइडियोलॉजी इनकी सेम है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ये जो छोटी मोटी शिकायत है। हाँ एक चीज और होती है, पार्टी विद इन पार्टी यानी कॉम्पिटिशन विद इन कॉम्पिटिशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। हाँ। राजभर साहब भी अपनी पार्टी का इंडिविजुअल, उनका अस्तित्व है और ग्रो करना चाहते हैं और उसके लिए भी ये ऐसा काम नहीं, कर सकते हैं। देखिए एक जी, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमें तो लगता है कि हर कोई भी आप सियासी पार्टियों को उठा लीजिए, अगर ऐसा उसकी नेता की तरफ से किया जा रहा है, उनके प्रमुख की तरफ से किया जा रहा है तो उनका धर्म भी है, हर लोग अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला, लेकिन ऐसा ग्रोथ भी तो एक टारगेट होता है ना। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर अगर पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बीजेपी को भी शायद बड़ी दिक्कत हो सकती है। राम हृदय राम जी इस वक्त है हमारे साथ, बहुत अच्छे से बताएंगे। राम जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब ओम प्रकाश राजभर के बगावती तेवर के बारे में, उनकी मांगों को लेकर, उनकी शिकायतों को लेकर जब भी बीजेपी की किसी नेता से बातचीत या कोई सवाल पूछा जाता है मीडिया की तरफ से, बहुत ही खामोश हो जाते हैं आप लोग, थोड़ा मुस्कुराते हैं, मंद मंद मुस्कुराते, फिर बहुत ही आराम से जवाब देते, वो भी जवाब से कुछ चीज़ें निकल कर सामने नहीं आती, बड़ी परेशानी दिखती है चेहरे पर राम हृदय राम जी की, करें तो क्या करें, किस तरह से जवाब दें इसका, अभी भी आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे। हर नेता का वही हाल है राम हृदय राम जी, कोई दिक्कत नहीं, आप ही मुस्कुरा रहे। गौरी शंकर जी, ऐसा गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी भारत की लोकतांत्रिक पार्टी है और देश और दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं जी, और अपनी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सहयोगी दल है, उनकी पार्टी का स्थापना दिवस था और अपने पार्टी के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने समाज के बीच में वो सम्मेलन में अपनी बात को रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा गौरी शंकर, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम ओम प्रकाश राजभर जी की क्यों बात करें। हाँ। 2014 से जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, हम भारतीय जनता पार्टी क्यों बोले? हम तो नरेंद्र मोदी पार्टी तो दो ही लोगों की रह गई, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। जब से इन दोनों ने सरकार बनाई के सरकार में आए हैं तब से लेकर आज तक, अभी उनकी महबूबा छोड़ गई, नरेंद्र मोदी जी की महबूबा छोड़ गई, मुफ्ती महबूबा जी छोड़ गई, उसके बाद में नरेंद्र मोदी की महबूबा छोड़ गई, लैंग्वेज सही नहीं है ना, महबूबा छोड़ गई, महबूबा मुफ्ती लैंग्वेज गठबंधन से अलग होने का फैसला, नहीं लैंग्वेज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज के दरमियान में आपत्तिजनक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग 90% आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग ओछी हरकतें कर रहे हैं, तो अब उन्होंने ऐसा राजनीतिक दौर ला दिया है कि आपको उनका पलटवार करने के लिए उसी भाषा में बात करना पड़ेगा, नंबर वन। और नंबर टू, हम उस मुद्दे पे आते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी क्यों, महबूबा जी गई, शिवसेना उनको धमका रही है, वो आपके जो जेडीयू के नीतीश कुमार जी उनको कभी धमकाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा इनको धमका रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू उनको धमका रहे हैं, तो आप बताइए इनसे खुश कौन है? इनकी जो राजनीति रणनीति है कि लूट और खसूट,
और फूट जो चल रहा है। एक मिनट समझने की, अरे मिश्रा जी आप लोग गफलत में मत पड़िए। आप मिश्रा जी आप बताइए, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं आप, तो फिर आप सुनते हैं तो इनको समझना पड़ेगा कि जिस तरह इनकी लूट और खसोट और फूट की जो राजनीति कर रहे हैं, इसका परिणाम 2019 जो आ रहा है ना, इसमें दिख रहा है इनको। और जिस तरह की राजनीति इन्होंने पैदा कर दी, जिस तरह हालात पैदा कर दिए हैं देश में, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में और देश में इनको भुगतना। मेरा सवाल सुन ले पंकज जी, मैं आपसे बस इतना ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के उदय से, कांग्रेस के अस्त होने से और बीजेपी के उदय होने से क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत बड़ा खतरा है? चाहे हो सकता है कि भाजपा को थोड़ी तवज्जो मिल गई हो, है ना, अपना दल को थोड़ी तवज्जो मिल गई हो, छोटी छोटी पार्टियों को तवज्जो मिल, उस वक्त का थोड़ा सिचुएशन अलग था, लेकिन इस वक्त जो उदय है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का, उसे क्षेत्रीय दलों जो रीजनल पार्टियां हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है एक तरह से। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के उदय होने से या कांग्रेस के अस्त होने से क्षेत्रीय पार्टियों को कोई खास खतरा इसलिए नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां, जब कोई भी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करिए, अभी मिश्रा जी सही कह रहे थे कि आप अपनी बात रखिए। हाँ, नहीं मुझे एक बात समझना है दरअसल, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या ऐसा लगने लगा है। मैं इस सवाल को थोड़ा एक ही जी समझना चाह रहा हूँ। एक ही साहब, क्या आपको लगने लगा है कि एक डर है? देखिए मैं सवाल फिर से दोहराता हूं कि बीजेपी के उदय के बाद, उदय ही कहा जाएगा, जिस तरह से विधानसभा में बहुत ही प्रचंड जीत हुई, लोकसभा में उससे पहले लोकसभा में जो प्रचंड जीत हुई, उदय ही है बीजेपी का। इस उदय की वजह से बीजेपी को भी घमंड हो गया कि छोटी छोटी पार्टियों को क्या लगाना मुंह, है ना, ओम प्रकाश राजभर को क्या मुंह लगाना, बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं, और हैसियत अगर पूर्वांचल को छोड़ दिया जाए तो उससे ज्यादा इनकी है नहीं, तो क्यों मुंह लगाना? गौरी शंकर जी, अभी मिश्रा जी मिश्रा जी का जो कहना है बहुत अच्छा, ये राजनीतिक विश्लेषक है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि उदय और अस्त, ये तो प्रकृति का नियम है कि उदय होना है, अस्त भी होना है। तो आज बीजेपी की उदय हो गई है, इससे डर के क्षेत्रीय पार्टियां ये कह लें कि नहीं जी हम तो आपके साथ ही रहेंगे, क्या अस्त नहीं होगा? ये भी वक्त आएगा। लेकिन क्या क्या एक क्या लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए गौरी शंकर जी, मैं आपको बताऊँ, बीजेपी की अगर आप ओवरऑल स्ट्रेटजी और उनकी पावर और कैपेसिटी देखें ना, तो दूसरे पार्टियों के कंपैरिजन में अतुलनीय है, स्पेशली राजभर साहब की पार्टी के। देखिए होता क्या है, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र बैठे हैं, शिवसेना ने कुछ बोल दिया, कांग्रेस वगैरह सब खुश हो गए। बीजेपी बहुत स्ट्रेटजिक वे में पॉलिटिकल इल्यूजन या मायोपिया क्रिएट करती है माहौल में, ये जानने के लिए या अपने राइवल को गफलत में रखने के लिए, और दूसरी पार्टियां खुश हो जाती हैं, जी इनके तो जो सहयोगी हैं वो टूट रहे हैं। मैं बोलता हूं कौन सा इनका बीजेपी का सहयोगी इनको छोड़ के गया, एक दो को छोड़ के। शिवसेना इतनी बुराई करती है लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में फिर भी समर्थन दिया। सवाल यहाँ केवल दो चीजों का है, विपक्षी दल इसके बीजेपी के इस स्ट्रेटजी को, जो ये मायोपिया का माहौल और इल्यूजन का माहौल क्रिएट करते हैं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, ये समझ नहीं पाते हैं, ये खुश हो जाते हैं। नहीं ठीक है, इसमें एक मिनट और, इसमें सच्चाई कितनी है थोड़ा एक समझना पड़ेगा। सच्चाई कुछ, देखिए मैं बताऊं, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, केवल दो ही कॉन्सेप्ट है। एक इंडिविजुअल ग्रोथ का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, राजभर साहब वो चाहते हैं उनकी पार्टी ग्रो करे, उसके लिए ऐसी एक्टिविटी होती है, मैं समर्थन करता हूं। और अल्टीमेटली लास्ट दिन देखिएगा इलेक्शन के टाइम पे फिर दोनों मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली अभी आपने देखा बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं कितने रिस्पेक्टेड वे में ये लोग जो है कमेंट दे रहे हैं, एक भी वर्ड अगेंस्ट नहीं बोला राजभर साहब के अगेंस्ट या उनकी पार्टी के खिलाफ। यही चीज अगर कांग्रेस के खिलाफ हुई होती ना, फिर देखिए बीजेपी वाले कैसे बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि बीजेपी वाले इनको अपना राइवल नहीं मान रहे हैं, जैसे कांग्रेस को मानते हैं। बात देखिए यही तो बात है, यही तो बात है कि चुनाव से पहले जिस तरह का एक पॉलिटिकल ड्रामा ही तो है ओम प्रकाश राजभर की तरफ जो किया जा रहा है, बिल्कुल इट इज नॉट अ ड्रामा, इट इज अ मायोपिया, इट इज अ इल्यूजन, क्रिएटिंग अ इल्यूजन, स्ट्रेटजिक इल्यूजन। चलिए मैं अगर ड्रामा ना भी मानूं तो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है इस तौर पे, इस लिहाज से भी देखें तो थोड़ी सी नजर तो रखनी पड़ेगी लोकसभा चुनाव से पहले और क्या क्या होता है। थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि चुनाव से पहले जब आपके बड़े नेता की तरफ से कोई बगावती तेवर अपनाए जाएंगे, कुछ डिमांड की बात होगी, आप लोग जरूर कहेंगे कि डिमांड पूरा नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब आपका अलायंस बना था, जब आप एनडीए में आए थे, जब इस परिवार के साथ जुड़े थे, उस वक्त तो सारा बीजेपी हो या फिर आप हो या फिर अपना दल हो, सब एक जैसा आप बिहेव करते थे। अचानक क्या हो गया कि आप अपने परिवार की बात करने लगे? योगी को, है ना, मोदी को परिवार की बात नहीं किया, नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा सबसे बड़े नेता के तौर पर आप लोगों ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब जी बोलिए बोलिए। देखिए हमने कभी व्यक्तिगत विरोध नहीं किया, हमने हमेशा नीतियों का विरोध किया है। अगर नीति गलत है तो हम उसको
जरूर गलत कहेंगे। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा भी कुछ शब्दों में कहा, आपको नीति नहीं पता थी क्या कि बीजेपी की नीति या एजेंडा गलत है या सही है? की दलाली होती थी 500 से पांच इलेक्शन के पहले आपको बीजेपी की नीति सही है या गलत है नहीं पता थी? किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? नहीं, अचानक अचानक क्या हुआ पीयूष जी? हम लोगों के साथ थोड़ी ना कोई गठबंधन था। अचानक क्या हुआ कुछ? और हम सत्ता में रहकर सत्ता को आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये तो सर आप बताना चाहूंगा आपको। नहीं नहीं, आपने आपने सहयोग इसलिए किया कि आप आईना दिखाइए कि आपने सहयोग इसलिए किया है कि कदम ताल मिला के सरकार के साथ हम प्रदेश का और देश का विकास करेंगे। आप एजेंडा जो होता है अगर दो पार्टियां मिलती हैं तो वो इसलिए होता है कि आइडियोलॉजिकली हम सेम हैं और दोनों मिलकर देश और प्रदेश का विकास करेंगे। आप तो सर आईना दिखाने लगे हो, आप उनके विरोधी बन गए हो और इधर बोल रहे हो कि हम विरोधी नहीं है। नहीं ठीक है, एक हिसाब मैं पीयूष जी से एक बात और पूछना चाहता हूँ। आईना दिखाने का मतलब क्या? देखिए आईना दिखाने का मतलब क्या पीयूष जी? सिर्फ पूर्वांचल की हैसियत जो राजनीतिक हैसियत से है, राजनीतिक हैसियत का दम दिखा करके कुछ आईना दिखाया जा सकता है पीयूष जी? जी जी देखिए क्लियर कट बात करें पीयूष जी, बात समझ में नहीं आ रही कि क्या कहना चाह रहे हैं। तारीख को हम लोगों की 16वीं स्थापना दिवस थी जी, बिल्कुल सुनिएगा तब ना जी। फिर से एक बार अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए जी। विपक्षी दल है जी, आप उनके पक्ष के हैं। अगर सच बोलना बगावत है तो माननीय ओम प्रकाश जी बागी हैं, आज उन्होंने खुद अपने मुंह से यह वर्ड कहा है। सर ये सच इतने दिनों तक आपको पता नहीं चला? सत्य का ज्ञान विशेष मुहूर्त में हुआ है क्या, इलेक्शन के पहले वाला? इतने दिन बीत गए तब आपको सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ? सबसे आरक्षण की जो 27% में 22.5% आरक्षण की अति पिछड़ों अति दलितों की मांग कर रहे हैं सर, तो आप अलग होकर के करिए ना, के लिए आप अलग होकर स्ट्रगल करिए ना। सवाल ये है कि आप साथ भी तो नहीं छोड़ रहे हो ना? अगर इतना एग्रेशन है आपको उनकी नीतियों को लेके तो तुरंत रिजाइन देके अलग होइए ना। देखिए आज की रैली का जो उद्देश्य अलग भी नहीं होंगे को बुला के उनके सामने पूछना ही था, क्योंकि यहाँ स्टूडियो में बैठ कर कोई तय नहीं करेगा कि 2019 में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। नहीं ठीक है, अगर सहाय साहब अगर पार्टी के चले पीयूष जी, मैं बिल्कुल समझ गया कि चुनाव से पहले दरअसल इस तरह का अगर कोई सियासी तेवर अपनाए भी जा रहा है तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन चुनाव के पहले सर नहीं है, बहुत पहले से मांग है। हम कोई नया आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं। 27% का आरक्षण पिछड़ों को दिया गया है, उसमें कैटेगराइज करके आप आज पिछड़ों अति दलितों की मांग कर रहे हैं सर 22.5% की। हम कोई नया आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, नया कोई सिगुफा छोड़ रहे हैं। 2019 के बाद करिएगा सर, 2019 के चुनाव के बाद करिएगा, क्यों कर रहे हैं अभी? मिश्रा जी 2019 के चुनाव के बाद करिएगा, क्यों कर रहे हैं अभी? आप जिस तरह नरेंद्र मोदी गुमराह कर रहे हैं उसी तरह आप भी गुमराह कर रहे हो अभी जनता को। अभी मिश्रा जी कह रहे थे ना, बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत आप लोग जिस तरह सगुफे छोड़ रहे हो, ये सगुफे छोड़ना बंद करिए और जनता के लिए अगर सचमुच हितैषी है तो कुछ काम करके दिखाइए जिससे जनता का भला हो। नहीं नहीं, आप रिजाइन देके बीजेपी से अपना एसोसिएशन तोड़ दीजिए तो हम मान लेंगे कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे आपका वाकई में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आप साथ भी बने रहेंगे, काम भी करेंगे, नहीं भी करेंगे, ये कौन सा अलायंस है? मैं रैली में खुद मौजूद था और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यह बात कही कि क्या मुझे इस्तीफा दे दूं, मैं इस्तीफा दे दूं, मेरा मन उग गया कि खूब चैनलों पर खूब टैगलाइन पे चलिए। जनता ने कहा नहीं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ रहेंगे, अपने हक की लड़ाई हमें मांगनी है। नहीं ठीक है, राम हृदय राम जी के पास चलेंगे। राम हृदय राम जी मुझे एक बात बताएं, जब बीजेपी के खिलाफ इन्होंने बगावती तेवर अपना लिया, ठीक है, वो कह तो रहे हैं बहुत ही सही बात उन्होंने उठाया कि आरक्षण के मसले पर आप लोगों की तरफ से बराबर भरोसा दिया गया, अमित शाह की तरफ से भरोसा दिया गया, योगी जी ने तो बाकायदा सदन में ऐलान किया था कि ठीक है हम वर्गीकरण करेंगे पिछड़ा आरक्षण को लेकर, अलग अलग जो वर्गीकरण करने की मांग राजभर जी की तरफ से हो रही उसका बाकायदा उन्होंने सदन में ऐलान किया। फिर क्या हुआ? इस तरह का भरोसा अगर आप लोगों की तरफ से दिया गया था तो इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? आपने स्पेस तो मुहैया कराया ना राम हृदय राम जी, तभी तो अगर राजभर जी अगर कोई स्टैंड उठा रहे हैं तो उनके स्टैंड को सही बोला जाएगा। फिर देखिए गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए जमीन पे काम कर रही है
और भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम किया। अरे भाई राम प्रकाश, राम अजय राम जी, समाज के लोगों को आप रहने दीजिए, एक ही चीज का राग आप रहे हो। पिछले चार साढ़े चार सालों में गैस सिलेंडर दे दिया, उज्ज्वला योजना कर दिया। अरे ये बताइए ना, जो आपके वादे थे उनका क्या किया आपने? जो नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे उनका क्या किया? उस पर भी प्रकाश डालेंगे आप कि आप लोग करेंगे क्या? उस पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे रही है, आरक्षण भी देगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उसका ध्यान दे रही है जो अपना देश का पैसा विदेशों में लूट के लेके जा रहे हैं। आपको शायद पता है, आज भी एक 8,100 करोड़ रुपए लेके भाग गया गुजरात का एक आदमी, एक व्यापारी और भी ले गया। तो आप कितने लोगों को भगाओगे देश से बाहर? देश को खोखला कर दिया आप लोगों ने। अब छोड़ दीजिए, भगवान के लिए आप रहम करिए, ये सब झूठे जुमलेबाजी जो आपकी राजनीति है उस पर बंद करिए, और सचमुच अगर कुछ करना है तो उस पर देश में जनता के लिए कुछ सोचिए और करिए। ये सब उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन और ये सब जो चल रही योजना है, ये सब सुन के थक गए हम लोग। विकास की बातों पर सिलेंडर गिनाना, ये सब पे ही आती है, विकास भूल गया है। जनता पार्टी कहती जरूर है कि हम विकास के सबका। चलिए ठीक है, एक ही जी थोड़ा सा मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं बात सही सही निकल नहीं पा रही है के साथ। मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि पॉलिटिकल मैप, थोड़ा सा रुकेंगे राम हृदय राम जी, सबका साथ सबका साथ सबका विकास, ठीक है आपका नारा हो सकता है इस नारे के साथ, ठीक है अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हो, ठीक है ठीक है, लेकिन 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 देखिए 2000 में समाजवादी पार्टी के लोग ही आपको सबक सिखाएंगे। जिस तरह डर उनका डर और भय व्याप्त है ना, उसी डर भय व्याप्त आपको दिख रहा है। और 2019 जब आएगा तो समाजवादी पार्टी के लोग ही आप लोगों को सबक सिखाएंगे कि किस तरह देश में काम किया जाता है और कैसे किया जाता है। जिस तरह लोगों को गुमराह किया है आप लोगों ने, लोगों को छला है, उनको एक झूठ फरेब के सरकार बनाई आप लोगों ने, उसका जो जीता जागता उदाहरण यही है। आप लोगों ने देश को चलिए ठीक है करने का काम किया। चंदेल साहब देखिए थोड़ा सा पॉइंट से हम लोग हट रहे हैं, एके के पास आएंगे। एके साहब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, पूर्वांचल की सियासी सरजमी को देखिए। ओम प्रकाश राम हृदय राम जी थोड़ा सा रुकेंगे, ओम प्रकाश राजभर वहां के अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो कई जिलों में बहुत ही अच्छी पकड़ है उनकी आम जनता के ऊपर, खासतौर पर राजभर समुदाय के ऊपर। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि सिर्फ पूर्वांचल के इस सेक्शन के आधार पर ओम प्रकाश राजभर एक बड़ी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वाकई में उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी बढ़ चुकी है कि बीजेपी का जो स्टैंड है राजभर के सामने धराशाही होता नजर आ रहा है, और बीजेपी वही करेगी जो राजभर करेंगे, कुछ इस तरह का सीन बनता दिख रहा है क्या? स्ट्रेटेजिकली देखा गया ना तो ये दोनों चीजें नहीं है, उसका कारण है। देखिए राजभर साहब की जो पार्टी है अभी पिछले इलेक्शन में आई है जी, पिछले इलेक्शन में कोई इतना मजबूत जनाधार बना नहीं सकता है। दूसरी बात है मात्र चार सीट, नहीं सुनिए मैं, आप चार सीट यहाँ पे तो जो 200 सीट थी समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने साफ कर दिया। क्वेश्चन ये है कि राजभर जनता ने साफ, अरे सर किसी ने भी किया ठीक है सर, अरे सर आपने साफ कर दिया ठीक है, क्रेडिट आप ले लीजिए, सपा ने सारी सीट सपा जीत गई, जनता जिस तरह इनको बिठाया उसी तरह उनको बिठा के आप अपने मन में रसगुल्ले और मधुर फोड़ते रहिए, हम फ्यूचर में देखेंगे। आप मुझे एनालिसिस करने दीजिए ना ये केस की जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए राजभर साहब ठीक है उभरे हैं, ये बीजेपी की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक स्ट्रेटजी होती है कि इनडायरेक्ट वे में किसी नए पार्टी को जो उभर रही है उसके साथ टाई अप कर लेना और एक वोट बैंक पे कब्जा कर लेना। हाँ। तो ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी थी। देखिए बीजेपी आज की डेट में एक मेहमत है, एक पॉलिटिकली देखा जाए तो मदमस्त हाथी है, और राजभर साहब उसको कंकड़ से मार करके भगाना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इस चीज को राजभर साहब भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं एक लाइन पढ़ रहा था, राजभर साहब इतने कॉन्फिडेंट है तो जरा ये इस्तीफा दे दें पूरी पार्टी का, क्यों नहीं हिम्मत पड़ रही है इस्तीफा देने की अगर इतना बड़ा गैप आ गया है, इतना नाराज है। तो ये दोनों पार्टियां जानती है, ये सारा जो केस हो रहा है ना ये केवल और केवल एक स्ट्रेटेजिक वे में ही, मुझे लगता है ये प्लान्ड वे में हो रहा है। पंकज साहब मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि क्या किसी क्षेत्रीय दल की हैसियत इतनी बढ़ सकती है, जैसा कि बहुत अच्छा कहा उन्होंने के साहब कि मदमस्त हाथी की तरह है बीजेपी। आप देखिए अगर विधानसभा में आए सीटों की बात करें, कहाँ 300 से ऊपर बीजेपी के पास और मात्र चार सीट जो है भाजपा के पास, दोनों के अंदर के बीच में कोई तुलना नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई हाँ कोई कोई राजनीतिक हैसियत का सवाल भी नहीं उठता है। मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था आपसे
कि अगर एक क्षेत्रीय दल आगे बढ़ना चाहता है कई मुद्दों के आधार पर, अगर कोई बड़ी पार्टी का अगर कोई सपोर्ट ना मिले, जैसे बीजेपी का सपोर्ट तो भाजपा को चाहिए, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो पूर्वांचल में क्या हाल होगा ओम प्रकाश राजभर का, थोड़ा सा मुझे अच्छे से बताएं इसका जो है। जिसमें आपको ये लगता है कि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को किसी बड़ी पार्टी का दामन थाम करके आगे अगर बढ़ना है, तब तो क्षेत्रीय पार्टी जो है वो जो भी जिसके साथ भी बड़ी पार्टी के साथ लगा है। देखिए पूर्वांचल की स्थिति थोड़ी सी अलग है। पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा गरीबी और सबसे ज़्यादा सुविधाओं से वंचित लोग, वंचित जमात की कोई बात नहीं करता, कोई दलित की बात करता, कोई महादलित की बात करता, और यह सारे पार्टियों के भाषा ही यही होते हैं, महादलित, दलित। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योजनाओं से वंचित हैं, बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं, उनकी बात कोई नहीं करता। कारण यह है कि उनको लगता है कि आज मैं ये बातें करके और बड़ी पार्टियों का दामन थाम के या उनके खिलाफ बोल के अपनी प्रेजेंस को दिखा सकूं और उसके द्वारा बढ़ सकें। हालांकि ऐसी जरूरत नहीं है। अगर क्षेत्रीय पार्टियां काम करना चाहती हैं, आखिर बड़ी पार्टियां भी कभी क्षेत्रीय पार्टियों के बराबर ही थी। 99 में बीजेपी की स्थिति क्या थी और आज क्या है, तो आप ये देखिए। और कांग्रेस की जहां तक बात है, 100 साल में जो पार्टी खड़ी हुई है तो वो आज उस स्थिति कहां पहुंच गई। आज देखिए संसद में सीट संख्या कितनी पहुंची है, बाकी जगहों पे क्या स्थिति है। देखिए बदलाव होता रहता है, लेकिन आप अगर ये सोचें कि बड़ी पार्टियों का काम करके उसके खिलाफ बोल करके अगर आगे बढ़ते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है। अगर राजनीति करनी है सकारात्मक राजनीति करिए, और लोगों के लिए वाकई काम करना है तो आप क्षेत्रीय पार्टी रह के भी काम करिए। शंकर देखिए, ये एक स्ट्रेटजी ये भी होती है ना कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में माहौल क्या चल रहा है, नब्ज टटोलने के लिए एक पॉलिटिकल स्टिमुलस छोड़ा जाता है। तो हो सकता है बीजेपी और राजभर साहब ने मिलके ये एक पॉलिटिकल स्टिमुलस छोड़ा है नहीं, लेकिन जानने के लिए कि शिक्षा की तरफ लोगों का झुकाव है कि राम मंदिर मुद्दे की तरफ, ये पता कर सके। ठीक है, एक इस बात को मैं भी समझता हूँ। मैं थोड़ा पीयूष जी से एक चीज पूछना चाह रहा था। पीयूष जी, कल से मैं सुन रहा था कि आज बड़ी रैली होगी, बहुत ही बड़ा ऐलान किया जाएगा राजभर की तरफ से, हो सकता है कि आप लोग बीजेपी का दामन पूरी तरह से दामन छोड़ दे। सुनिए तो पहले पूरी बात सुन लें। सब कुछ ओम प्रकाश राजभर ने सब कुछ कहा कि मैं टूट गया हूँ, इस पार्टी में रहना नहीं चाहता, मुझे छटपटाहट हो रही है, मैं एक तरह से गुलाम की तरफ फील करता हूँ, सब कुछ कहा उन्होंने। फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द इस्तीफा देकर इस पार्टी से अलग हो जाऊंगा। लेकिन पहले जो हम लोग सुन रहे थे कि इसी रैली में वो इस्तीफा देने वाले हैं और एक तरह से जंगे ऐलान करने वाले हैं कि बीजेपी के साथ नहीं रहने, कौन सी मजबूरी आ गई अचानक 5 से 10 मिनट में, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई पीयूष साहब? इसके बाद भी आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। अगर मांगे पूरी हुई तो इस्तीफा दीजिए, सीधे बीजेपी से अलग हो जाइए, आम जनता के बीच में सही संदेश तो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप लोग अजीब तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही है पीयूष जी। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल नहीं बताइए, इसका मतलब बताइए। गौरीशंकर जी देखिए, स्टूडियो में बैठा व्यक्ति यह नहीं डिसाइड कर सकता है कि 2019 में कौन होगा। 2019 में जनता जनार्दन ही डिसाइड करती है कि कौन होगा, और जनता जनार्दन का नेता लोग 4 साल पहले ही डिसाइड कर देंगे। सारे नेता बोल रहे हैं 2019 में हम ही आएंगे, सारी पार्टियां बोल रही है 2019 में हम ही सरकार बनाएंगे। स्टूडियो के स्पेशलिस्ट नहीं बोल सकते, केवल नेता लोग बोल सकते हैं। माननीय ओम प्रकाश जी राजभर जी नहीं बोल रहे हैं कि हम आएंगे, पहले मेरी बात आप सुन लीजिए। मैं आपकी पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बोलने दीजिए। जनता जनार्दन ने फिर से कह रहा हूँ वही बात कि उन्होंने कहा जनता ने कि नहीं आप इस्तीफा मत दीजिए, आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं जी। नहीं ठीक है, मतलब अभी बात समझ नहीं आई। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया जाए, राम हृदय जी आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि बीजेपी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारा फ्रेम आउट दूसरी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो पार्टियां वो कर रही है, आपके साथ जो पार्टियां हैं, आप लोग अगर चुपचाप बैठे हुए भी हैं तो कोई खास फर्क इसका नहीं पड़ेगा, है ना? आम जनता को बिल्कुल समझ में चीजें आ गई हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल क्या करना चाहती हैं, बाकी लोग क्या करना चाहते हैं और बीजेपी क्या करना चाहती है। बहुत ही क्लियर कट फंडा आप लोग आम जनता के पास पहुंचा चुके हैं या फिर कुछ और पहुंचाने की जरूरत है? देखिए गौरीशंकर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जहां से विधायक बने हैं वो जहूराबाद विधानसभा सीट से, मैं उसी जिले का गाजीपुर का रहने वाला हूं और वो मेरी विधानसभा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से पहले भी
भारतीय जनता पार्टी से स्वर्गीय माननीय गणेश राजभर जी विधायक हो चुके हैं, आज मऊ घोसी लोकसभा से माननीय पूर्व मंत्री कवि कल्याण सिंह जी की सरकार में हुआ करते थे माननीय हरनारायण राजभर जी जो घोसी लोकसभा के सांसद हैं, बलिया जिले से माननीय सकल दीप राजभर जी जो राज्यसभा में एमपी हैं, भारतीय बनारस में जहां के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी निवासी है वहां से माननीय अनिल राजभर जी स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं, पूरा का पूरा राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है आदरणीय योगी आदित्यनाथ मोदी जी के साथ। देखिए वही चीज जो मैं बोल रहा था कि बड़े आराम से बीजेपी मैनेज कर लेगी अगर राजभर साहब अलग होते हैं, इनके पास स्ट्रेटजी ऑप्शन पड़ा हुआ है, बार बार से उग चुकी है और मोदी। अब समय नहीं है पीयूष जी, प्रतीक के रूप में पीयूष जी समय नहीं है, जब जब समय था तो आपने सही से बोला नहीं, और शायद शायद ओम प्रकाश राजभर भी यही गलती कर रहे हैं, शायद इसी तरह का भ्रम वो पाल रहे हैं कि अभी समय है तो बीजेपी से बात नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले तक अगर गालियां देते रहेंगे तो गठबंधन का क्या होगा। पीयूष जी आपके पास भी समय अब नहीं रहा, खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, विशेषज्ञ के तौर पर AK मिश्रा जी हमारे साथ थे।